नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप ये न्यूज़ देखिए, इसमें लिखा हुआ है पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं तो जुर्माना। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप पैन कार्ड का यूज करते हैं तो 10000 रुपये और जुर्माना वसूला जाएगा। तो आप 31 मार्च 2022 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर लें, वरना आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको incometax.gov.in वेबसाइट दिख रहा होगा, इसी वेबसाइट पे जाकर आपको पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं आगे कैसे आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो दोस्तों, आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर का कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लें। तो चलिए हम अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं। तो हमने ब्राउजर में www.incometax.gov.in टाइप कर दिया है, फिर चलिए सर्च पर क्लिक करते हैं और हमारे सामने इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। तो आपको इसमें थोड़ा नीचे आना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों नीचे आने के बाद आपको एक दिखाई दे रहा है लिंक आधार का ऑप्शन है और लिंक आधार स्टेटस का भी ऑप्शन है। अगर आपने आधार कार्ड को लिंक कर लिया है और आप चेक करना चाहते हैं हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हुआ या नहीं हुआ, तो आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किया, आप लिंक करना चाहते हैं, तो आप लिंक आधार के ऑप्शन पर जाके लिंक कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, लिंक आधार पर। तो दोस्तों, क्लिक करते ही हमारा नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको पहला ऑप्शन है पैन का नंबर, इसमें डालना है आपको। उसके बाद नीचे जो सेकंड ऑप्शन है, इसमें आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद दोस्तों नीचे थर्ड ऑप्शन जो है नेम एज पर आधार, आपका जो आधार कार्ड या पैन कार्ड में नाम लिखा हुआ है आपको इसमें टाइप करना है। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड में दोनों में नाम सेम होना चाहिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद दो चेकबॉक्स है, आपको दोनों पर चेकआउट क्लिक कर देना है इस पर। उसके बाद नीचे आने पे लिंक आधार का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आप जैसे लिंक आधार पर क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा और वो OTP आपको यहाँ पर दर्ज करना है। OTP यहाँ पे दर्ज करने के बाद आपको वैलिडेट का ऑप्शन है, वैलिडेट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप जैसे ही वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा मैसेज आएगा, योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन। तो मतलब आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो लिंक का प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। आप थोड़ी देर बाद आप चेक कर सकते हैं आपका स्टेटस लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों चलिए हम देख लेते हैं कैसे उसे चेक किया जाता है। तो चलिए हम फिर से होम पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा लिंक आधार स्टेटस। हम पहले गए थे लिंक आधार पर, अब हमें जाना है लिंक आधार स्टेटस पे। तो चलिए लिंक आधार स्टेटस पर हम क्लिक करते हैं। तो हमारा लिंक आधार स्टेटस का पेज ओपन हो चुका है। इसमें आपको दो चीज़ डालना है, पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर। उसके बाद नीचे में लिखा हुआ है व्यू लिंक आधार स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं लिंक स्टेटस पे तो आपके सामने एक ऐसा मैसेज आ जाएगा, योर पैन, आपका पैन नंबर दिया हुआ है, इज लिंक टू आधार नंबर, आपके आधार कार्ड से लिंक हो चुका है। मतलब हमारा आधार और पैन आपस में लिंक हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं आधार कार्ड और पैन कार्ड का। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।